ब्रश कर रहा हूँ। चल गुड मॉर्निंग। पांच वाजता कुठे जायचं? मातंगा हिल्स वाटुंगा। हेलो गुड मॉर्निंग, अभी जा रहे हैं मातंगा हिल पे मातम मनाने। मातंगा हिल को पहुंच गए। पोरा नहीं कभी घर से सूर्य नहीं पाहिले नाले दुसरे इकड़े मातंगा हिल से सूर्य बघा। सो हमारा मातंगा हिल का सनराइज हो चुका है, अभी निकल रहे हैं हम लोग वापस नीचे। मातंगा हिल विरूपक्ष टेम्पल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे, और ऐसे कहा जाता है कि मातंगा ऋषि इस पर्वत पे रहा करते थे, इसलिए इसका नाम मातंगा हिल पड़ गया। व्हाट अ व्यू। अभी नीचे जाने के लिए फट रही, इधर से नीचे गया तो गया। चल तू चल पूरे चल, जबरदस्त। फाइनली रीच। चल। सो इट वाज वेरी ऑसम सनराइज फॉर अस। ये क्या है? हैंडमेड थिंग है ब्रो, स्टोन लेट मार्बल पेपर एंड मग। क्या ना कोई कैंडल, इधर देखो फिगर ब्लैक स्टोन है मेरे। वाह हम्म, कैसा लग रहा? सही मस्त। चलो अभी जाते हैं मैंगो ट्री में। तो सुबह के बजे हैं 10, और अभी जा रहे हैं अपने मैंगो ट्री की, मैंगो ट्री नाश्ता करने। सुबह मातंगा ही लोग हैं। सो दिस इज आवर सेकंड डे इन हम्पी एंड वी आर एंजॉयिंग ऑब्वियसली। मैंगो ट्री के बारे में बहुत सुना था और आज आ गए भाई, आ गए। इडली वडा का वडा एकच येतो पण त्याच्या। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल वी आर एंटरिंग इनटू। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल को प्रसन्न विरूपक्ष टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर हम्पी में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसको 14th सेंचुरी में बनाया गया था विजयनगर एम्पायर के टाइम। और इस मंदिर की खासियत कहा जाए तो ये पानी में ही रहता है पूरे साल में ज़्यादा टाइम। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल मस्त है। धूप तो बहुत है पर ठीक है। हो लोटस महल हाथी शाला एंड रंग मंदिर, 3 आर देयर थिंग्स दैट वी आर गोना वॉच नाउ। This is the basement of Queen's Palace. अभी Queen कौन सी वो देखना पड़ेगा अपने को। Lotus महल। इस महल का आकार कमल की तरह, इसलिए इसे लोटस महल कहा जाता है। इसे चित्रांगी महल भी कहा जाता है। ये महल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया नमूना है। मस्त
इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर डोम शेप आहे प्लस रेक्टॅंगल दोन्ही असतात ते डोम शेप इज इस्लामिक अँड रेक्टॅंगल इज इंडियन सो व्हाट आर नेक्स्ट पॉइंट हजारी राम टेम्पल हजार रामा टेम्पल 15 सेंचुरी के विजयनगर एम्पायर में राजा देवराय 2 ने बनाया था। ये काफ़ी छोटा है पर बहुत सुंदर है। इसमें रामायण की काफ़ी स्टोरीज कार्व की गई है। विजय विट्ठल टेम्पल को जाते हुए बीच रास्ते में आपको गजल मंडप दिखेगा। इसे 16 सेंचुरी में बनाया गया था और ये दिखने में बहुत ही प्यारा दिखता है। अहिला एंट्रेंस पासून किती दूर है यार आत देख एंट्रेंस से ये तकरीबन 1 किलोमीटर रहेगा अंदर चलना पड़ता है। मेरा व्यू खतरनाक है ना व्यू भारी है तो एक नंबर। तो चले अब बात करते हैं विट्ठल टेम्पल की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इन द हम्पी। इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट वाटरमार्क ऑफ द विजयनगरा स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मतलब विट्ठल मंदिर को हम्पी के सभी मंदिरों और स्मारकों में सबसे भव्य माना जाता है। रुपीज के पीछे जो फोटो है वो ये शायरी होता है। एक तो ये टेंपल बहुत अंदर है और जब आप एंट्रेंस पे आते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शाज है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाज, तो उस पर बैठ के आप आ सकते हो यहाँ पे, वो बेटर है। तो 1-2 किलोमीटर अंदर चल के आना टांगे खराब कर देती है। सही है विट्ठल टेम्पल। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी 4:30 बजे आज का प्लान था। टेम्पल्स बोटिंग बोटिंग इधर ऊपर चला 200 वाली वो है एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैंने लाफिंग बुद्धा के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सुनी थी, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा एम्बियंस है, पर मुझे वहाँ पे सबसे घटिया सर्विस और टेस्टलेस फूड मिला है। सो प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू आर गोइंग टू लाफिंग बुद्धा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट।